थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड भी रफ नहीं किया है। गुड आफ्टरनून सभी को। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स पे हम कल एनर्जी पे आके रुके थे। एनर्जी क्या थी? किसी भी पार्टिकल की बॉक्स के अंदर इतनी थी, ठीक है। इट वॉज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? एनर्जी। तो ई इक्वल टू कैसे याद रखना है? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ऊपर रहेगा 8 ML A। ML A होते हैं ना अपने कॉलोनी में, ML स्क्वेयर। तो इट वॉज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये फॉर्मूला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। रजनी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। तो एन इक्वल टू 0 आप नहीं रखेंगे। एन अगर इक्वल टू आपने 0 रख दिया, एन की वैल्यू अगर 0 रख दी, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और टोटल एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग? एन की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से। एन की वैल्यू क्या करेंगे आप? स्टार्ट करेंगे 1 से। तो एन इक्वल टू सबसे पहले आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स? 1 रखना है। तो एन इक्वल टू क्या करेंगे? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे एंड सो ऑन। आप देखो एन की वैल्यू 0 भी अगर कंसिडर करने की कोशिश करो कि एन इक्वल टू 0 है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही 0 कर दी है। आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मतलब टोटल पार्टिकल जो मतलब एनर्जी है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं, कि मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर में भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपने अंदर एनर्जी पजेस करके रखते हैं। उनके अंदर क्या होती है एनर्जी? मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर में भी क्या होती है? होती है। गुड आफ्टरनून सभी को प्रवीण। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है ना। तो ये रखेंगे। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात ये निकल के सामने आती है, पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग, पॉइंट्स है ना। पहला पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि डिस्क्राइब भी करना है हमको। पहला पॉइंट ये है कि जो एनर्जी की वैल्यू है क्या है? 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो एनर्जी के कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। एन शुड नॉट बी 1.5, एन शुड नॉट बी 2.5, एन शुड नॉट बी 0.9। एन की वैल्यू क्या है? एक इंटीजर के रूप में क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब, इसको शब्द को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इसका मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या होगी? क्वांटाइज्ड होगी। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में क्या होता है? किसी भी चीजों का आदान प्रदान होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको पैसे दूंगा, यहाँ पर क्या है, हम लोगों के टेरिटरी में क्या 1 रुपीज 2 रुपीज चलता नहीं है, तो सीधे 5 ही रुपये चलते हैं। मुझे आपको पैसा देना है तो कितना देना है? तो 5 दूंगा, या तो 10 दूंगा, तो 15, या तो 20, ठीक है ना। इस प्रकार का मैं अमाउंट आपको दे पाऊंगा। तो 5 रुपीज क्या है यहाँ पर? 5 रुपीज क्या है? क्वांटा है, एक सिंपल सिंगल क्वांटा 5 रुपीज का है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है? एक पर्टिकुलर इंटीजर के रूप में बढ़ती जाएगी। एन इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एन इक्वल टू 1 रखेंगे, एन इक्वल टू 1, देन दैट इज 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वेयर अपॉन 8 ML स्क्वेयर। ई टू कितनी आएगी? एन की जगह अगर 2 रखेंगे तो कितना जाएगा? 2 2 जा 4, दिस इज 4। 2 रखूंगा मैं तो 2 2 ना 4 हो जाएगा ना बेटा, 4 H² अपॉन 8 ML स्क्वेयर। ये 4 को अगर मैं छुपा लूं, अरे तो ये दोनों तो बराबर है, तो ये क्या है? दिस इज इवन, तो 4 × इवन। तो देख रहे हैं आप लोग, जो ई टू है वो इवन के कितनी है? 4 गुनी है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू 3 रखूं तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, सो इट वुड बी 9 H² डिवाइड बाय 8 ML स्क्वेयर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इवन, सो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ इवन। तो ये समझना चाहिए आपको कि जो अगर एन की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज होगी, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपके? 4 टाइम्स 9 टाइम्स 16 टाइम्स, इस प्रकार से क्या होगी? एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी। तो ये एक बात समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो ग्राफ भी बना लें, ग्राफ भी बना सकते हैं आप। मैं ग्राफ बना के बताता हूँ आपको। देखो ग्राफ, ग्राफिकल उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
ये आपका साई वन, ये आपका सपोज से साई टू, ये सपोज आपका साई थ्री, एंड ये आपका मान लो साई फोर। साई वन का मतलब एन इक्वल टू वन, अगर आपका वन है एन इक्वल टू वन है तो एनर्जी कितनी जाएगी, इक्वल टू कितना था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। ठीक है, अभी आज मैंने जस्ट बताया अगर टू रखेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर था, टू का स्क्वायर कितना होता फोर, सो इट वुड बी फोर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। अगर एन की जगह थ्री रखेंगे तो साई थ्री आएगा, उसकी लेकिन एनर्जी कितनी होगी, थ्री का स्क्वायर कितना था नाइन एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर, अगर चार रखेंगे तो सिक्सटीन एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। सो दिस इज ई फोर, दिस इज ई थ्री, दिस इज ई टू एंड दिस इज ई वन। ये आपका साई वन है, जैसे आप साई वन रखेंगे तो साई वन आपका कैसा आएगा, ऐसा। साई टू की बात करेंगे तो साई टू में क्या जाएगी, एक नोड आ जाएगी। साई थ्री में क्या जाएगी, दो नोड आ जाएगी। एंड साई फोर में चार नोड आ जाएगी, वन टू थ्री फोर। ध्यान से समझते जाना, एक एक चीज समझाऊंगा और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बच्चे आ गए आज तो क्लास में, काफी बच्चे हैं क्लास में। वीरेंद्र है कि नहीं क्लास में, है ना वीरेंद्र, क्योंकि परेशान रहता है कि सर बोर्ड सबको दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, ऊपर का भी नोट है ना विजिबल होगा। साई क्या है बेटा, साई क्या है, वेव फंक्शन। तो वेव तो ऐसे ही चलती है, ठीक है ना। तो ये वेव फंक्शन का आप लोग देख लीजिए, ग्राफ ग्राफ देख लीजिए, वेव फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए। हाँ वीरेंद्र, साई वन का ग्राफ क्या आता है, ऐसा आता है। और भी बहुत अच्छे से चीजें बताऊंगा। साई टू का ग्राफ ये टू है, ये थ्री है, वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये फोर है। ये जो है ना बेटा, ये जो पोर्शन है, ये दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड नोड, इसको बोलते हैं नोड। तो कितने नोड है, दो नोड। ये क्वेश्चन आता है काफी सारी एग्जाम्स में, ठीक है ना। साई थ्री में कितना होगा, दो नोड होगा। साई टू में कितना, एक नोड है, मतलब एन माइनस वन नोड होते हैं, ठीक है ना। अभी एंगुलर नोड होंगे कि रेडियल नोड होंगे, इसके बारे में बात करेंगे हाइड्रोजन एटम जब पढ़ाएंगे जब। अभी तो आप इतना समझो, एक तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब भी पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स की बात आएगी तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को कितना कितना कैलकुलेशन करना है। आपको ये जो इक्वेशन है डी टू साई बाय डी एच टू प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपन एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में आपको निकालना है एक तो साई इक्वल टू, और एक आपको निकालना है ई इक्वल टू। ये दो चीजें आपको निकालते आना चाहिए, ये दो चीजें आपको निकालते आना चाहिए। तो हम ई निकाल चुके हैं, अभी हमको साई निकालना है, तो साई भी निकालते हैं। साई का क्या करते हैं, साई इक्वल टू क्या आएगा वो फाइंड आउट करने की कोशिश हम करते हैं। चलो मैं आपको एक बता दूं, एक शब्द आता है जीरो पॉइंट एनर्जी। कभी कोई ये पूछ ले आपसे कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स तो पढ़ पुढ़ा के बैठ गए हो। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, निधि कोई ये पूछेगा जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है तो क्या बताओगी बेटा। तो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। ये अर्चना को तो प्रॉब्लम ही होती है। अर्चना तुम बेटा छत वत पे जाके बैठ जाओ, या फिर एक ऐसे एरिया में बैठो जैसे आंगन में वगैरह जो खुला एरिया हो जहाँ पर नेटवर्क अच्छा पकड़े,
क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना यार, अर्चना कोई दिक्कत आती है ना? अरे वीरेंद्र, आज तुमको भी प्रॉब्लम आ रही क्या? क्या वॉइस में प्रॉब्लम हो रही कि विजिबिलिटी में? तो तुम लोग सेशन लाइक नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा ना। चलो मैं थोड़ा सा कैमरा क्लीन करता हूँ। थोड़ा मैंने कैमरा क्लीन कर लिया और बाकी देख लेना अब आप लोग। हाँ ठीक। 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी कभी कोई पूछ ले बेटा निधि तुमसे तो क्या बोलोगी? जब हम एन इक्वल टू क्या करते हैं, 1 रखते हैं, तो ई की जो वैल्यू आती है वो आती है मिनिमम वैल्यू, एच स्क्वेयर अपॉन 8 ml2। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू 1 रखने पे जो मिनिमम एनर्जी आती है उसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ये एल क्या है, ध्यान है ना आपको? एल क्या है? एल क्या है? बॉक्स की लंबाई है। ये बॉक्स कल बनाया था और उसकी लेंथ रखी थी एल। ये एल बॉक्स की लेंथ, और एम क्या है? उस पार्टिकल का मास है जो पार्टिकल अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन का, आस्था बेटा ऑफलाइन क्लास जब भी रहे ना तो आना बेटा आप मेरे पास, है ना? इसकी अपन विजिबिलिटी चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। पिक्सल भी सेट कर लो 360 पिक्सल पे। देखो 360 पिक्सल पे कैमरा को सेट करो, मतलब अपने उसको सेट करो वीडियो को। बेटा आस्था, ऐसा होता है कि किसी किसी मोबाइल में आप जो पिक्चर क्वालिटी होती है ना वो ऑटो सेट कर रखते हो, ऑटो। तो ऑटो में क्या होता है कि अगर डेटा क्या हो कम आ रहा है ना तो वो क्या होता है आपका ब्लर हो जाता है। उसको ऑटो से हटा के क्या करो, 360 पे सेट कर दो। तो जब आपका डेटा कम आएगा तो तब वीडियो चलेगा ही नहीं, लेकिन क्या थोड़ी देर में फिर चलने लगेगा, तो वो 360 पिक्सल पे चलेगा। एक ये भी प्रॉब्लम है। हाँ ये देखो विपिन बता रहा है। तो 0 पॉइंट एनर्जी समझ में आती है सबको? 0 पॉइंट एनर्जी समझ में आ गई। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग साई इक्वल टू क्या आया था हमारा, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये आया था क्या? कोई हाँ हूं करके बताओ, ये आया था कि नहीं आया था? क्योंकि हमको साई इक्वल टू करके क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। साई इक्वल टू क्या करना, फाइंड आउट करना है। एल समझो क्या है? एल क्या है? पूरे बॉक्स की लंबाई। और एक्स क्या है? एक्स पोजिशन है, मतलब एक्स मतलब यहाँ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्स। ठीक है ना? एक्स क्या है? कोई पर्टिकुलर पॉइंट की क्या है, दूरी है शुरुआत से, दैट इज कॉल्ड एक्स। पाई जानते हैं 180, ठीक है, डिग्री। और एन क्या है? एन की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4 है। सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ए क्या है? ये कॉन्स्टेंट है, ए को हमको निकालना पड़ेगा। हमको क्या करना है? ए को फाइंड आउट करना है। ये हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना? वी नो दैट, ये जानते हैं आप लोग। अब देखो कहानी आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। अब निकाल लेते हैं ए की वैल्यू, निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स से जरा सा लगाना पड़ेगा। अप्लाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन ही बोलते हैं इसको, है ना? प्रसामान्यीकरण बोलते हैं हिंदी में, प्रसामान्यीकरण। तो इतना हिंदी लिख के क्या करोगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाने पर, इसमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाओ। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझो बेटा। इंटीग्रेशन होता है साई साई स्टार dx दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। मैथमेटिक्स का एक छोटा सा क्या है ये,
ट्रीटमेंट है मैथमेटिक्स, जरा सा थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। ये साई तो, साई तो ये है, और साई स्टार क्या है, साई स्टार को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब कि संयुग्मी, साय को क्या बोलते हैं, संयुग्मी बोलते हैं, संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, संयुग्मी बोलते हैं इसका, संयुग्मी मतलब ये इसकी परछाई होता है एक प्रकार से। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे शब्दों में साय स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साय स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू वन, साय स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर कुछ भी नाम, तीन चार पाँच नाम दे सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर पाँच नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ध्यान से सुनो बेटा, अगर किसी ने भी तुमसे ये पूछा कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, आस्था विपिन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, साई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू वन, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू वन। लिमिट भी लगाना पड़ती तो लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट क्या थी, एक्स इक्वल टू बेटा जीरो था और एक्स इक्वल टू क्या था, एल था, तो लिमिट क्या चल जाएगी, जीरो से एल, जीरो से एल क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। मैथमेटिक्स से और बीएससी फाइनल ईयर के बच्चे हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा घबराए घबराने कितने की बात नहीं है, ठीक है ना, इतना तो आसानी से कर ही सकते हो। देखो अब साई स्क्वायर, तो साई की वैल्यू पुट कर दूं क्या, तो पुट कर देता हूं, तो मैं साई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो साई की वैल्यू जैसे ही पुट करी जीरो से एल, तो साई स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना, वन। बस अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, अब क्या बचा कुछ भी नहीं बचा। तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन जीरो से एल, दिस इज साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू वन। वीरेंद्र साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता हो तो बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां पर अभी, ठीक है ना, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और सबको समझ में आएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा, थीटा ध्यान रखना यहां पर, थीटा क्या है, ये है थीटा, तो मैं यहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इसको, ए स्क्वायर जीरो से एल, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दो, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये है थीटा एन पाई एक्स अपॉन एल। घबराओ मत, सब जीरो जीरो हो जाएगा आगे चल के, डी एक्स इक्वल टू वन। घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब इंटीग्रेशन इस पे भी कर दो और इंटीग्रेशन इस पे भी कर दो, तो कर रहा हूँ धीरे धीरे, इंटीग्रेशन इस पे करूँगा और डी एक्स इस पे करूँगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ये वन का, इंटीग्रेशन वन का होगा और इंटीग्रेशन कॉस का होगा, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, लिमिट जीरो से एल, ये माइनस, फिर इंटीग्रेशन कॉस का, तो इंटीग्रेशन जीरो से एल कॉस टू एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल। घबराने की जरूरत नहीं है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में दैट इज इक्वल टू वन। घबराना तो है ही नहीं, इस प्रकार से बोलते हैं कोई कोई, है ना, है ही नहीं, तो चिंता नहीं करो बेटा, चिंता नहीं करो, चलो करें धीरे धीरे काम। क्यों भाई, x का डिफरेंशिएशन मतलब d dx कितना होता है, वन। अरे d dx का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, x का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, उसको उल्टा के बताऊं क्या, बताऊं, देखो ये dx इधर ले जाओ, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है,
इसको हटा के इंटीग्रेशन का बना दो, इधर का डिफरेंशिएशन हटके इधर का इंटीग्रेशन, तो ये क्या है, वन डी एक्स है ना, दिस इज वन डी एक्स, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स, चिंता मत करो हर प्रकार से बता सकता हूँ मैं तो। तो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स लिमिट जीरो से एल, बाहर क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस, अब यहां कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ वीरेंद्र कुछ भी कर लो, क्यों भैया, क्यों भैया जानते नहीं क्या मेरे को, क्या पढ़ाई नहीं करोगे क्या है, ठीक है मजाक मस्ती कर लेता हूँ कभी कभी, क्या ना कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और साइन और यहाँ पर ग्रहण तो लगा ही हुआ है 180 वाला, पाई, पाई का मतलब 180, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा और बाद में क्या हो जाएगा ये 180, पाई ना पाई, साइन पाई, पाई का मतलब 180, 180 कितना होता है, साइन 180 जीरो होता है, तो घबराओ मत, मत याद करो ये जीरो है पूरा, ये पूरा फंडा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सब सुहा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब इतना ही कर दो, दैट इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू वन, लो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्या करोगे इतना बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा के, दो दो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, चलो भाई आस्था बेटा आगे बढ़ रहे हैं, तो ए स्क्वेयर लिमिट लगाने का फंडा क्या होता है, एक्स की जगह एल रखते हैं माइनस एक्स की जगह जीरो रखते हैं, ये लिमिट लगाने का क्या होता है, तरीका होता है, लिमिट ऐसे लगती है, दैट इज इक्वल टू वन, तो जीरो को तो हटा ही दो, तो ए स्क्वेयर एल दैट इज इक्वल टू वन, तो ए स्क्वेयर इक्वल टू वन अपन एल, अरे कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, हाँ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही, गड़बड़ देखो थोड़ा सा क्या गलत हो गया भाई, ये बाय टू था, यहां पर बाय टू था ना, मैंने क्या बोला था आपको मेरे बच्चों प्यारे, देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बोला था वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, ये बाय टू में है ना, जल्दीबाजी में खा पी गया रे भाई, यस 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 यस, कौन है ये, आशीना, आशीना गुप्ता, हाँ ये टू था भैया मेरे, ये टू था यार, इधर ये टू को इधर मैं कॉमन ले लूँ, इसमें भी टू था वन माइनस में, इसमें टू था ना पूरे में टू था एक, ठीक है पूरे में टू था, तो टू को यहाँ कॉमन ले लो, तो ये टू कॉमन आ गया मान लो, तो ये टू कॉमन आ गया, तो कितना बचा ए स्क्वायर बाय टू, अब लगाओ लिमिट एक्स की जगह एल माइनस एक्स की जगह जीरो इक्वल टू वन, तो ए स्क्वायर बाय टू इंटू एल इक्वल टू वन, तो क्या है कि फुल प्रूफ होते हैं हम लोग, ठीक है ना, फुल प्रूफ का मतलब जानते हो ना, फुल प्रूफ का मतलब ये होता है मिस्टेक हो ही नहीं सकती, चलते चलते मिस्टेक होगी भी ना तो बीच में जाके उलझ जाएगी रेल और ऐसा लगेगा कि क्या हुआ, सही नहीं हो रहा है, तो सही कर लेते हैं, ये टू ऊपर और एल नीचे, तो ए बराबर इधर स्क्वायर हटा के अंडर रूट चढ़ा दो, ठीक है, तो ये कहानी हो गई, ए कह रहे भैया ये क्या था, साई बराबर ए साइन एन पाई एक्स अपन एल था ना, था कि नहीं था, हाँ बेटा वीरेंद्र
वो क्या है कि थोड़ा बहुत अफरिंग बफरिंग होती है, डेटा वेटा एक बार कनेक्ट हो जाते हैं, स्टूडेंट को टीचर से जोड़ देता है यूट्यूब थोड़ी देर में, उसके बाद सब क्लियर दिखने लगता है। चलो क्या करें अब, ए की वैल्यू पुट कर देना। अरे ए की वैल्यू आ गई तो रख दो यार, अब क्या कर रहे हो ऐसा, ठीक है ना। अतः साई बराबर अंडर रूट टू बाय एल इन टू साइन एन पाई एक्स अपन एल। सो दिस इज वेव फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेव फंक्शन है, मैंने बताया था ई इक्वल टू निकालना और साई इक्वल टू निकालना है, ठीक है। तो निकाल दिया। कोई भी तुमसे पूछे, क्या पूछेगा, कोई भी पूछे रेखा प्रवीण, कोई भी तुमसे पूछे कि वेव फंक्शन फार्मूला याद रखना है ना, अंडर रूट टू बाय एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये वेव फंक्शन का फार्मूला याद रखना। कोई भी तुमसे पूछे ई एनर्जी, कोई भी तुमसे क्या पूछेगा साक्षी, एनर्जी पूछेगा, तो एनर्जी का फार्मूला याद रखना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर। ये दो चीज़ें पूछते हैं, दो चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित करके रखना आप लोग, ठीक है। तो ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स क्या होता है, खत्म अभी नहीं होता है, थोड़ा सा मुझे बातें और करनी है आप लोगों से, ठीक है। अब देखो साई स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले तो साई इक्वल टू अंडर रूट टू बाय एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपन एल। चलो विमा की बात करो, विमा मतलब डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी बेटा, साई की डायमेंशन पूछ ली जाती है आईआईटी जेएम में। तो साई की डायमेंशन क्या होगी, एल का मतलब लेंथ होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखना। इसका मतलब एल होता है, लेंथ होता है, तो अंडर रूट वन अपॉन मीटर। तो साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीटर की पावर माइनस वन बाय टू। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये यूनिट होगी साई की और लेंथ हो जाएगी एम एल टी। ये पढ़ते हैं हम लोग 11th क्लास में। तो एम का मतलब था मास द्रव्यमान, एल का मतलब था लेंथ, लेंथ कितनी है माइनस वन बाय टू, और ये कुछ भी नहीं है ना, टाइम है ना, एम जीरो है। तो दिस इज डायमेंशन साई की, विमा साई की डायमेंशन। आता है इतना समझ में सबको, आता ही होगा भैया, 11th क्लास तो पढ़ के आए ना सब लोग, तब तो कोरोना भी नहीं था, तब तो गाना भी गन्नी गाना पड़ रहा था कि गो कोरोना गो 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 है। चलो अब मैं करूंगा थोड़ी सी और इंटरप्रिटेशन, थोड़ी सी और चर्चा। ये क्या है भाई, सो दिस इज साई इक्वल टू वन, दिस इज साई वन से, दिस इज एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एंड दिस इज एन इक्वल टू इनफाइनाइट सपोज। एंड व्हाट इज दिस माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साई स्क्वेयर, एक्चुअली दिस इज साई स्क्वेयर, साई स्क्वेयर टू, साई स्क्वेयर थ्री, एंड साई स्क्वेयर इनफाइनाइट। एंड वॉट इज साई स्क्वेयर, क्या हुआ निधि, क्या है हंसी आ रही है, मजा आता है क्या फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में तुम लोगों को, है क्वांटम पढ़ा रहा हूँ क्वांटम में पसीने आ जाते हैं, ठीक है ना, देखो आ जाते हैं मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते, आज तो पंखा चालू करके रखा है इसलिए बोलते ना पसीने आ जाते हैं पढ़ाने में। क्वांटम बेटा आसान नहीं है, है ना, जैसे तैसे करके उसको, जैसे तैसे तो नहीं है, ट्रिक है, टेक्निक है आसान करने की, आसान बनाने की, तो आसान बना देते हैं। हाँ अश्विनी क्या हुआ, खूब हंसी मजाक हो रहा है, खूब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो पढ़ाई को एंटरटेनमेंट बना लो भाई, तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से बहुत मज़ेदार बात बताऊंगा आपको, ये आपका एक वेव है, तो ये क्या है प्लस फाइव,
दिस इज प्लस फाइव, दिस इज व्हाट माइनस फाइव एंड दिस इज प्लस फाइव, ठीक है ना। प्लस फाइव का स्क्वायर 25, माइनस फाइव का स्क्वायर भी तो 25 ही होता है, ठीक है ना। तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो जब हम क्या करते हैं, साई का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो ये जो लोब नीचे जाने वाला रहता है, ये लोब भी क्या जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब देखो, सिर्फ यही क्लास समझ में आ रही है? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बाकी भी क्लास समझने की कोशिश करो, समझ में आएगी। प्रियांशी, सही बोल रही है प्रियांशी, क्या बात है अंशिका। अहिंसा, एक मिनट, आशीना, सॉरी आशीना, इट्स आशीना। देखो लेकिन अपन तो फर्स्ट ईयर में मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। सेकंड ईयर में तो मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम लोगों को, वो फाइनल में पढ़ाने का मौका मिला है। तो मेरे जो स्लॉट आए वो क्या है, मेरे स्लॉट ऑनलाइन आए, देखते हैं ऑफलाइन कभी पढ़ाने को मिलेगा। तो अब मजेदार बात समझो रे, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने एक लाइट लगा दी तो इंटेंसिटी कम है, दो लाइट लगा दूंगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तीन लाइट लगा दूंगा तो इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता समझो क्या होती है ना। ये क्या है आपका, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं आयाम, आयाम एम्पलीट्यूड। ए से मान लो निरूपित करते हैं इसको, सपोज ए से नहीं अपन तो मान लो साय से इसको निरूपित कर रहे हैं। तो आपको फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता क्या होती मेरे बच्चों, तीव्रता क्या होती, तीव्रता समानुपाती होती किसके, आयाम के स्क्वायर के। इंग्लिश में भी बात कर लेंगे, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ध्यान से समझना, ईमानदारी से मजा आ जाएगा, ठीक है ना, समझो जरा ध्यान से, ठीक है। अब क्या है कि ये एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड का जैसे स्क्वायर कर देते हैं, इस एम्पलीट्यूड का जैसे स्क्वायर कर देते तो क्या बन जाती, इंटेंसिटी बन जाती, तीव्रता बन जाती। तीव्रता क्या होती है मेरे बच्चों, तीव्रता क्या होती है आपको पता है, जब हम किसी लाइट को देख रहे होते हैं, जब हम किसी लाइट को देख रहे होते हैं बहुत तेजी से क्या लाइट अपनी आंखों में आती है, तो फोटॉन्स, नंबर ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स, फोटॉन्स ज्यादा आते हैं अपनी आंखों में तो बोलते हैं तीव्रता ज्यादा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय तीव्रता, इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरे शब्दों में, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की संख्या, पार्टिकल की संख्या। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि साय का अगर स्क्वायर कर देंगे, साय का स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी पार्टिकल की प्रेजेंस, आपको मिल जाएगी पार्टिकल की उपस्थिति, आपको कण की क्या है, उपस्थिति मिल जाएगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय साय स्क्वायर, अगर मैं आपसे बोलूं कि साय स्क्वायर क्या देता है तो आपका आंसर होना चाहिए, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ते हो वीरेंद्र 11 12th में, प्रायिकता मतलब इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना देता है कौन, साय स्क्वायर, साय स्क्वायर। मैं आपसे यह बोलूंगा कि साय से कुछ मिलता है क्या, साय तो साय से फिजिकली हमको कुछ नहीं मिलता है, भौतिक रूप से कुछ नहीं मिलता है साय से, हमको जो मिलता है किससे मिलता है, साय स्क्वायर से, ठीक है ना। एक पहली बात तो समझ में आती है, ठीक है। मैंने कौन कौन सी बातें बता दी, मैंने आपको ये बताया कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है ना, एन से चलती है, एन इक्वल टू 1 2 3, तो एनर्जी की वैल्यू अलग अलग चेंज होती है। फिर मैंने तीसरा आपको ये बताया, तीसरा मैंने आपको ये बताया, क्या बताया, एनर्जी की तो बात खत्म हो गई थी, उसके बाद मैंने बताया साय, तो साय का मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला बताने का, साय का मैंने आपको क्या बताया, डायमेंशन बताया, विमा बताई साय की, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, साय स्क्वायर बताया, जब साय स्क्वायर को मैंने बताया, क्या बताया मैंने, साय स्क्वायर क्या देता है, जैसे ही साय स्क्वायर निकालोगे तो साय स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, उससे आपको यह पता लगेगा कि पार्टिकल कहां उपस्थित होता है। अब देखो, देखो भैया, हाँ भाई, ये देखो यहां पर पार्टिकल जीरो है, यहां पर पार्टिकल शून्य है, यहां पर पार्टिकल शून्य है, और यहां पर पार्टिकल क्या है, पार्टिकल की पाए जाने की संभावना क्या है, अधिकतम है,
ठीक है ना। तो यहां पर बीच में पार्टिकल क्या है, अधिकतम पाया जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू एल है, तो बीच में पार्टिकल अधिकतम पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही क्या है, अपन एनर्जी टू में जाएंगे, तो यहां पर बीच में पार्टिकल पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा, पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। अच्छा, दिस इज मोर नॉन यूनिफॉर्म। मोर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पार्टिकल मैक्सिमम होने के चांसेस केवल एक है, लेकिन यहां पर पार्टिकल मैक्सिमम होने के चांस कितने हो गए, दो हो गए। यहां पर पार्टिकल अधिकतम पाए जाने की संभावना कितनी हो गई, तीन हो गई। और इनफाइनाइट पे क्या है, अधिकतम पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसा है कि एन की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, जब एन इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, संभावना प्रायिकता, संभावना प्रायिकता क्या मतलब, घनत्व, संभावित घनत्व, संभावित घनत्व क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है मतलब एक समान हो जाता है, ठीक है ना। एन इक्वल टू वन पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहां पर शून्य है, यहां पर अधिकतम है, यहां पर शून्य है, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसके अपेक्षा ज्यादा है, यहां पर इसके अपेक्षा यहां ज्यादा है। और इनफाइनाइट पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, सब जगह, सब जगह यूनिफॉर्म होगी। यहां पर तीन जगह एक जैसी थी, ठीक है, यहां पर दो जगह थी, यहां पर एक ही जगह थी, ठीक है ना, अधिकतम। तो आई होप कि बहुत सारी चीजें समझा दी मैंने आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना। टाइम भी कितना हो गया, 36 मिनट तो हो गए, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से ना, ईमानदारी से मैं धीरे धीरे करके एक बात करूंगा आपसे। हमने सबसे पहले क्या करा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, ठीक है, एक्सा इक्वल टू ई साई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, और इसकी वेव इक्वेशन मैंने सबसे पहले लिखवा दी आपको। इसकी वेव इक्वेशन क्या थी, डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस एट पाई स्क्वेयर एम ब्रैकेट में ई माइनस वी अपन एच स्क्वेयर इन टू साई दैट इज इक्वल टू जीरो, ये थी इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो भावना क्या होती है, काम करने का तरीका क्या होता है क्वांटम में, क्वांटम में काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, चार स्टेप्स होती है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। पहला, यू नीड टू राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने की संभावना, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने की क्या है बेटा, आपको तरीका आना चाहिए। चारों पॉइंट्स लिख लो, या चारों पॉइंट में लिखवा देता हूँ, या वीडियो बाद में देख लेना और लिख लेना। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डी टू साई बाय डी एक्स टू प्लस एट पाई स्क्वेयर एम ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो, तो डेट वॉज अवर फर्स्ट पॉइंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट, मतलब आपको आपको बाउंड्री कंडीशन लगाते आना चाहिए। तो व्हाट वॉज द बाउंड्री कंडीशन, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हो गई थी, ठीक है ना बच्चों। तीसरा बात है ना, कैलकुलेशन, तो ये बाउंड्री कंडीशन इस पर फिट करके मैंने कैलकुलेशन कर दिया था, कैलकुलेशन करके ई इक्वल टू निकल गया था हमारा और साई इक्वल टू निकल गया था, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, विवेचना, इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। मतलब जो आपने रिजल्ट निकाले ना भाई मेरे, जो रिजल्ट निकाले उस रिजल्ट को बोलते तो आना चाहिए। तो मुझे रिजल्ट बोलते आए, मैंने आपको रिजल्ट बोल बोल के बताए, मैंने उसके भौतिक सार्थकता आपको बताई, मैंने विवेचना करते वक्त क्या बताया, मैंने जीरो पॉइंट एनर्जी बताया, मैंने बताया एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब मैंने ये भी बताया कि मिनिमम से मिनिमम एनर्जी होगी, एनर्जी कभी जीरो नहीं होगी, ये भी बताया मैंने, ये विवेचना हो गई। फिर साय का मैंने डायमेंशन बताया, फिर साय के बाद साय का स्क्वायर करके मैंने आपको ग्राफ बताया, और फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करी, और मैंने आपको नोड भी बताया, दिस इज कॉल्ड नोड। नोड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पाया जाता, दिस इज कॉल्ड नोड। नोड पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाएगा। यहां पर कितने नोड हो गए, दो नोड हो गए, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये नोड, तो आई थिंक दैट है ना, आई डिड एवरीथिंग फॉर यू, है ना। पार्टिकल एंड डायमेंशन बॉक्स खत्म होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा, तो कर लेना आप लोग अच्छे से। अब ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर्स के लिए कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन कमिंग मंडे। सो आप टीवी सेट छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे मिलते हैं आने वाले सोमवार को फिर से एक बार। कब, 1:20 पे, ठीक है, लगा दो फटाफट अटेंडेंस, और लाइक वाइक करना तो लाइक भी कर दो, करना हो तो कोई जरूरत नहीं, हालांकि मतलब करना हो तो देख लो। चलो, आया मजा सबको पढ़ने में, बाय बाय बाय, लक्ष्मी बाय कर रही है, अब देख लो बाय भी करते बच्चे, ठीक है, अब नई जनरेशन है।
हाँ निधि, लग जाएगी अटेंडेंस। अटेंडेंस तो बेटा ऐसी लॉक है। हाँ वीरेंद्र, अटेंडेंस तो ऐसी लॉक है, आपको अटेंडेंस किसी दिन निकाल के दे दूँ आप बोलो तो। अटेंडेंस की तो चिंता करना ही मत, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से बढ़े क्लेश, पाप से घटे लक्ष्मी, कह रहे संत रूपेश। अच्छा निधि उपाध्याय, ठीक है बेटा, अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू बेटा, बस यही रिवार्ड से आप लोगों से, और क्या, बस मेहनत करते हैं, आप लोगों को पसंद आना चाहिए। और ये है कि एक कठिन से कठिन टॉपिक को सरल से सरल कैसे बनाया जाए, बस ये एक कोशिश रहती है आप लोगों के लिए। चलिए रखते हैं क्लास को और पीते हैं पानी के से भरे गिलास को। क्या हुआ हमारी क्लास रुपेश वर्मा? ना लगा देंगे बेटा, ठीक है बेटा, ना रखता हूँ मैं। हाँ जी सर, यस सर, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी लिख देंगे तो क्लास अटेंडेंस लग जाती है आपकी। सेकंड ईयर वाला? हाँ रुपेश, सेकंड ईयर वाला, अभी सेकंड ईयर में हो क्या तुम? चलिए हाँ ओके बेटा ओके, सेकंड ईयर से क्लास अटेंड कर रहे हो फाइनल की, ये भी अच्छी बात है। चलो ओके बाय, चलो रुपेश देखते हैं, मिलते हैं तुमसे।